ये हम आपको सिंपल टैडी कुशन बनाना बता रहे हैं। ये हमारे पास बचा हुआ कपड़ा था, उससे ये हम रख लेंगे। लंबाई 15 और इसका ये जो चौड़ाई है ये हमने फोल्ड कर दी है, 9 पे आ रहा है। इतना ही बड़ा मुझे कुशन चाहिए। ऐसे तो नॉर्मल कुशन आपको, ये स्मोकिंग नहीं है, सिंपल कुशन है, फ्लावर शेप में आता है, राउंड फ्लावर शेप। आपको अगर जैसे नॉर्मल कुशन बड़ा बनाना है तो फिर वो तो कपड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर 1 मीटर में आपको बनाना है तो 1 मीटर में 2 कुशन खूब आराम से बन जाएगा। बस आपको करना क्या है, 1 मीटर का लेंथ पूरा 40 इंच रखना है और ये जैसे आप देख रहे हैं ना फोल्डिंग, ऐसे कपड़े को फोल्ड कर लेना है अर्ज की तरफ से, ऐसे फोल्ड। अगर 24 इंच का है तो हमारा 12 12 आ जाएगा, 2 कुशन खूब आराम से निकल जाएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं टैडी कुशन ही बना रहे हैं, हमारे पास इतना ही कपड़ा था, हमने इसको फोल्ड किया है और लेंथ हमने इतना रख लिया है 15 इंच। और आपको 1 मीटर में बनाना है तो लेंथ पूरा रखेंगे, कपड़े को फोल्ड करेंगे, उसके बाद ये कटिंग होगी। ये ऐसे बीच से अलग कर देंगे अर्ज की तरफ से। अब ये हमारा स्टिचिंग होने जा रहा है, इसी के बाद हमारा कुशन बनेगा। ये आप देख रहे हैं फोल्ड लाइन, जो हमारी लंबाई रखी गई थी पूरा 15, उसी को फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद ये पूरा हमारा ये सिल उठेगा, यानी इसको कह लीजिए कि अर्ज की तरफ से हमारा सिल उठेगा चौड़ाई, और ये लंबाई हमारा ओपन रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, स्टिचिंग के बाद हमारा 2 तरफ से ओपन था, इधर हमने रबर लगा लिया, इधर से हमारा ये पूरा फाइबर भरा जाएगा। चलो बेटा फाइबर भर, फाइबर को पहले थोड़ा सा खोल, ऐसे ही थोड़ा सा फाइबर इस तरह कर लेते हैं। पहले इसको अच्छे से इस तरह खुल जाता है फाइबर। अब अपने टैडी कुशन में फाइबर भरेंगे। ये एकदम सिंपल कुशन, अब इसमें हम फाइबर भर लिए हैं। अब हम इसमें यहाँ पे कच्चा करेंगे और फिर चुन्नट बन जाएगा। ऐसे पूरा कच्चा करते चले जाएंगे, इसी को खींचने के बाद हमारा खूब सुंदर चुन्नट आ जाएगा, एक बराबर टांका लिया जाएगा। अगर कहीं आप छोटा लेते हैं, कहीं बड़ा लेते हैं तो फिनिशिंग नहीं रहेगी। पूरा कच्चा करके फिर धागे को खींच देंगे, सुंदर चुन आ जाएगा। ऐसे हम गेदर्स डाले जाते हैं, पूरा खींच देंगे, हमारी गेदरिंग कंप्लीट। यही प्रोसेस दोनों साइड, ये साइड भी और हमारा इधर नीचे साइड, दोनों तरफ यही प्रोसेस होगा। अभी हमारा चुन्नट पूरा बन गया,
और ये सुंदर सी गैदरिंग तैयार हो गई। अब ये हमारा दूसरी तरफ कच्चा हो गया, एक साइड हमारा हो चुका है, दूसरे साइड कंप्लीट हो रहा है। देखिए कितने आसानी से हमारा टैडी कुशन कंप्लीट होता है। यही आप बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं, मीडियम साइज भी, स्मॉल भी, जैसे आपको चाहिए, छोटा बड़ा अपने ऊपर होता है। लेकिन 1.5 मीटर में अगर आप बनाएंगे तो मीडियम साइज़ का अच्छा बन जाएगा। 1 मीटर में 2 निकल आएगा, वो थोड़ा सा छोटा रहे। अभी आपको हम दिखाएंगे 1 मीटर में किस साइज़ का सिंपल राउंड क्वेश्चन आएगा। वेलवेट कपड़े में ये बनता है। अब हमारी गैदरिंग कंप्लीट हो गई। अब हम फ्लावर की डिज़ाइन थ्रेड से पूरी कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसमें बड़ी सुई ली जाती है और जो हमारा थ्रेड होगा वो मोटा वाला होगा, जैसे रजाई वजाई नहीं सिलते इस टाइप में, नहीं तो आप वो भी ले सकते हैं, ये सॉफ्ट प्राइस वाला पैरासूट धागा आते हैं वो वाला भी ले सकते हैं। उसमें ब्लैक कलर होता है, वाइट कलर, वैसे तो सारे कलर आने लगे। ये देखिए एकदम सिंपल तरीके से डिजाइन डाली जा रही है। ऐसे मोटा थ्रेड रखिएगा, जैसे ये देख रहे हैं ना रजाई गद्दे वाला, है ना, मजबूत रहता है। इसमें हर कलर आता है, आप इससे भी बना सकते हैं, पैरासूट धागे से भी बना सकते हैं, ये अच्छा है। ये देखिए हमारा कितना सुंदर टेडी कुशन कंप्लीट हो गया है। बस यहाँ बीच में हम कुछ डेकोरेट कर देंगे, आप यहाँ बटन भी लगा सकते हैं, थ्रेड से डिज़ाइन भी डाल सकते हैं, कोई दूसरा कपड़ा भी अटैच कर सकते हैं, जिससे हमारा ये कुशन कुछ सुंदर है। हम यहाँ पर कपड़ा लगाएंगे, ये बीच में भी डेकोरेट कर दिया गया। ये हमारे पास थोड़ा सा फर का कपड़ा था, उसी से ये डिज़ाइन डाल दिया। ये हमारा आप देखेंगे ये साइज हमारा 1 मीटर में, जैसे इसमें दिखाया गया था पूरा प्रोसेस वैसे ही, पर ये 1 मीटर कपड़े में 2 बनेगा। ये आप देख रहे हैं वही कुशन है, सिंपल राउंड फ्लावर जैसा शेप आया है, थ्रेड से डिज़ाइन डाली गई है। ये 1 मीटर में 2 कुशन है, ये हमारा 1 मीटर में 2 कुशन कंप्लीट हो जाते हैं। सेम यही प्रोसेस से बना गया है। ये आप देख रहे हैं ये हमारा टैडी कुशन कंप्लीट हो गया।